एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य जी से आए हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए बजट के बारे में बात कर लें। तो अध्यक्ष जी ये बताइए कि जो प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया बजट है ये औद्योगिक के लिए क्या कुछ दिया है इसमें? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अभी बजट पेश किया है वो बहुत काबिल तारीफ है। उसका वजह यह है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, आज हमारे देश को हम विकासशील देश से विकसित देश की तरफ हम तभी ले जा सकते हैं जब हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ फोकस करे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए तमाम हाईवेज बनाने के लिए बजट बनाया है। जब कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होता है तो निश्चित तौर पर वहाँ पे उद्योग धंधे बढ़ते हैं और पैसे का फ्लो आता है। उसका वजह कि लोगों को तमाम तरह के कार्य मिलते हैं, व्यापारियों को उसमें गिट्टी सप्लाई, तमाम तरह की सप्लाई के सुअवसर मिलते हैं, विकास होता है। और जब अच्छी सड़कें होंगी तो निश्चित तौर पर उद्योग धंधे भी बढ़ेंगे। आप लोग समझते होंगे, शेरशाह सूरी जी ने भी अपने समय में ये समझा था और इसीलिए उन्होंने जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था कि व्यापार बढ़े और लोग एक दूसरे से दूसरे जगह, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन उनके लिए सुलभ हो। जब सुलभ होगा तो निश्चित तौर पर व्यापार बढ़ेगा। आज हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, देश में हर जगह यही इसी को फोकस करके किया जा रहा है, जो कि बहुत काबिल तारीफ है, बहुत अच्छी पहल है। लगभग एक वर्ष पूर्व COVID-19 की वजह से सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई थी, जिसके वजह से काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि इस बीच में काफ़ी इंडस्ट्रीज बंद भी हो गए थे, काफ़ी फैक्ट्रियाँ बंद भी हो गए थे। उनके लिए प्रदेश सरकार की क्या योजना है? उनके लिए देखिए, ये तो पूरे विश्व की बात है, पूरे विश्व में कोविड का असर आया हुआ था, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में प्रधानमंत्री जी के और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से धीरे धीरे बेहतरी की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। और सरकार ने जितना भी हो सका जो भी किया वो बेहतर के लिए किया है। आज सरकार ने हमेशा ये प्रयास किया है कि इंडस्ट्रीज बढ़े, इंडस्ट्रीज चले, व्यापारियों को सहयोग मिले और 24 घंटे विद्युत मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, इंडस्ट्री डेवलप, इंडस्ट्री को जो भी चीज़ चाहिए होता है उसके लिए सरकार हर समय प्रयास करती है। हमारे उद्योग मंत्री हैं सतीश महाना जी, उनका बहुत अच्छा प्रयास रहता है, वो हर उद्यमी की समस्या, हर व्यापारी की समस्याओं को तत्काल सुनते हैं। और जब सरकार आपकी बातों को सुनती है तो निश्चित तौर पर उद्योग बढ़ाने में आपको हर तरफ से मदद मिलती है। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उसके बाद हाईवेज बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको अगर देखा जाए तो बीच से जंगल गायब होते चले जा रहे हैं और इंडस्ट्रीज जो बढ़ रहे हैं इसके जो पॉल्यूशन की वजह से लगातार ग्लेशियर बहुत तेजी से गलती जा रहे हैं, इसके लिए क्या प्रोग्राम है? इसके लिए तो केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी पहल उठाई है। आज जिस तरह इंडस्ट्री का बढ़ना जरूरी है, उसी तरीके से आज हमारे वातावरण को भी कैसे बेहतर किया, जिसके लिए प्रदूषण विभाग को, अब वो प्रदूषण विभाग नहीं रह गया है जो आज से 20 वर्ष पहले था, 15 वर्ष पहले था। आज का प्रदूषण विभाग NOC तभी जारी करता है जब इंडस्ट्रीज प्रदूषण मुक्त हो, हर तरह के व्यवस्थाओं को, हर तरह के संयंत्रों को लगाया जाता है जिससे कि कम से कम प्रदूषण हो। और इस तरीके से, और उतना ही अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे भारतवर्ष में प्लांटेशन का जो अभियान चलाया, करोड़ों की संख्या में वृक्षारोपण हुए और हर साल हो रहे हैं, ये इसी को बचाने के लिए किया जा रहा है, जो कि सरकार की बहुत बड़ी पहल है। हम लोगों ने भी अपने इंडस्ट्रियल एरिया में कम से कम 10,000 वृक्षों को लगाया। ठीक है, कुछ वृक्ष उसमें मर गए, लेकिन फिर भी 4,000-5,000 के करीब 50% वृक्ष बच रहे हैं, जो कि एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरह यहाँ का माहौल धीरे धीरे हो रहा है। बस सरकार से यही अपेक्षा है कि वो वृक्षों के साथ अगर ट्री गार्ड भी दे दें तो फिर 70% नहीं तो 70-80% तक ये वृक्ष बच जाएंगे। जब वृक्ष लगेंगे तो जो भी होगा वातावरण सुनिश्चित अच्छा जरूर होगा। जो नए लोग आ रहे हैं इंडस्ट्रियल में अपना उद्योग बढ़ाने के लिए, उनको आपकी ओर से क्या सहयोग? हमारी तरफ से तो हम लोग सब तरह का सहयोग करते हैं। इस समय सरकार ने सारी सुविधाओं को ऑनलाइन कर दिया है, पोर्टल अपना जो ऑनलाइन किया हुआ है, इसमें कोई भी आदमी, कोई भी उद्यमी आता है, उनको गाइड करना भी, आपने देखा कि यहाँ तमाम लोग बैठे हुए थे, नए उद्यमी आए हुए थे, हम लोगों ने उनको ऑनलाइन सारी पोर्टलों के बारे में जानकारी दे दी। उसके बाद ऑनलाइन करने के बाद उनको जो भी असुविधा होगी उस असुविधा को हम लोग तत्काल सुनते हैं और पूरा संगठन मिलकर के संबंधित अधिकारियों को भी कहते हैं और